संतप्तमान से शांत हो, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रवचनुसार शास्त्र का जो हिंदी टीका का मंगलाचरण है और अनुशीलन का जो मंगलाचरण है उस पर अपन ने चर्चा की, जिसमें पंच परमेश्वरी को याद करके, जिनवाणी को याद करके, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को याद करके और प्रयोजनसार शास्त्र में क्या बताया गया है उसकी चर्चा की है। अब पृष्ठभूमि निकालो, पेज नंबर 2। जिनेन्द्र भगवान के प्रवचनों का सार, यह काल जयी प्रवचन सार आचार्य कुंदकुंद की सर्वाधिक प्रचलित अद्भुत सशक्त संरचना है। ये काल जयी शब्द है ना, माने जिसने काल को जीत लिया है, माने अपने जैन दिगंबर शास्त्रों में सबसे प्राचीन ने आदि में ही लिखा गया और निरंतर पठन पाठन में रहा। समय सारे यद्यपि बहुत महान ग्रंथ है, फिर भी यूनिवर्सिटी के लेवल पर, विश्वविद्यालयों के लेवल पर प्रवचन सार का पठन पाठन बहुत अधिक रहा है। अभी भी कम से कम 50 विश्वविद्यालय में प्रवचन सार कोर्स में है। आपको मालूम इसलिए नहीं पड़ता है कि वहाँ तक आप विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते ही नहीं ना, ऊंची क्लासों तक, और PhD MA और ऊंची ऊंची जो क्लासें होती हैं ना, उनमें कोर्स में रखा जाता है कि जैन दर्शन में जो जैन दर्शन में जैन दर्शनाचारी करे, आचार्य करे मतलब, अथवा उसमें कोई PhD करे, रिसर्च करे, तो उसमें ये आता है, इसलिए अपन को मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन सैकड़ों वर्ष, करीब 150 वर्ष से ज़्यादा, जितने जब से विश्वविद्यालय चले हैं तब से ये, पहले अब तो एक एक गांव में 6-6 विश्वविद्यालय हो गए हैं, लेकिन जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था कि हुआ ही हुआ था, तब इलाहाबाद में एक विश्वविद्यालय था सारे हिंदुस्तान में, फिर बनारस में मदन मोहन मालवीय ने खोला था, फिर अलीगढ़ का विश्वविद्यालय खोला, वो हिंदू विश्वविद्यालय, वो मुस्लिम विश्वविद्यालय, तो मतलब बहुत कम पठन पाठन था तब। ये राजस्थान विश्वविद्यालय जब भारत आज़ाद हुआ ना 1947 में, तब इसकी स्थापना हुई, पहले राजस्थान में कोई विश्वविद्यालय ही नहीं था, तो तब से वो कोर्स में लागू है। जिनेन्द्र भगवान के प्रवचनों का सार, यह काल जयी प्रवचन सार आचार्य कुंदकुंद की सर्वाधिक प्रचलित अद्भुत सशक्त संरचना है। समस्त जगत को ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व के रूप में प्रस्तुत करने वाली यह अमर कृति विगत 2000 वर्षों से निरंतर पठन पाठन में रही है। आज भी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में इसे स्थान प्राप्त है। ज्ञेय तत्व, ज्ञान तत्व क्या है? विश्वविद्यालयों में जैन दर्शन पढ़ाया जाता है ना, अथवा कोई भी दर्शन पढ़ाया जाता है, भारतीय दर्शन,
तो उसमें कोर्स बनाने की पद्धति क्या है? वो ऐसी है कि एक तो जो जगत है उसका स्वरूप क्या है, मानी ईश्वर ने जगत का कर्ता है कि नहीं है, जगत की रचना कैसी है, भूगोल कैसा है, इतिहास कब का है, पुरातत्व कब का है, ये सब बातें जो जगत का स्वरूप है ना, छह द्रव्यों का स्वरूप जो प्रजनसार के गे तत्व विज्ञापन में खासकर बताया है, उसका वर्णन होता है एक, और दूसरा होता है उसे जानने वाले ज्ञान का प्रमाण का। जितना ये न्याय शास्त्र है वो सब प्रमाण मीमांसा है, समझे ना, और बाकी जितना अपना करुणानुयोग सिद्धांत हैं ये सब प्रमेय मीमांसा है, यानी प्रमाण मीमांसा और प्रमेय मीमांसा। देखो आपको ऐसे ग्रंथों के नाम मिलेंगे ना, प्रमेय कमल मार्तन, प्रमेय रत्न माला, ये नाम ऐसे है ना, तो अभी प्रेस प्रमेय का कोई ध्यान ही नहीं देता उधर, तो प्रमेय माने जानने लायक, तो वो तो गे हैं, तो प्रमेय में और गे में क्या अंतर है के प्रमाणित रूप से जानने लायक माने सच्चा ज्ञान, ज्ञान में गे ज्ञान तो अकेला ज्ञान ही ज्ञान है, उसमें सच्चाई और झूठाई से कोई मतलब नहीं है, मिथ्या दृष्टि जो जानता है वो भी गे ही कहलाता है। जब वो सम्यक ज्ञान रूप जानना हो तो उसे प्रमेय बोलते हैं और उस ज्ञान को प्रमाण बोलते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसी व्याख्या है ना, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, ऐसे अपने उसमें न्याय दीपिका में प्रमाण की परिभाषा, प्रमाण न्याय दीपिका में भी क्या है, प्रमाण का ही है, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, सामान्य प्रमाण, अनेकांत साधवाद, इसका वर्णन उसमें न्याय दीपिका में है। परीक्षा मुख में क्या है, परीक्षा मुख में भी वही प्रमाण का लक्षण है, प्रमाण के फल का लक्षण, ये परोक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, ये सब प्रमाण मीमांसा है, और उसके द्वारा जो जाना जाएगा वो जगत कैसा है, जगत माने सही द्रव्य माने सब कुछ, तो उसे बोलते हैं प्रमेय मीमांसा। प्रमाण और प्रमेय के रूप में सारी दुनिया को बांटा गया है, और सबसे पहले प्रमाण मीमांसा क्यों है, इसलिए है कि ये दुनिया जानी जा सकती है कि नहीं जानी जा सकती है, कोई इसे जान सकता है कि नहीं जान सकता है, पहले ये तो नक्की हो जाए, तो फिर हम ये कहें कि भगवान महावीर ने जाना और ऐसा बताया। जब तक यही नक्की नहीं हुआ कि जाना जा सकता है कि नहीं जाना जा सकता है, तब तक इसका क्या मतलब कैसा है, इसलिए वो पहले प्रमाण मीमांसा की बात होती है। तत्वा सूत्र प्रमाण मीमांसा का ग्रंथ है। अकलंक देव सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं प्रमाण मीमांसा के, राज वार्तिक है ना, प्रमाणम अकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम और धनंजय कबीर काव्यम, ये तीन रत्न हैं, रत्न त्रय मेदम, तीन रत्न हैं जैन दर्शन में। अकलंक का प्रमाण शास्त्र माने राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वासूत्र की टीका है ना, और पूज्यपादस्य लक्षणम, पूज्यपाद जो आचार्य हैं उनका लक्षण ग्रंथ सर्वार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि के लक्षण बहुत अकाट्य माने जाते हैं, और उनका ध्यान जैसे उदाहरण के तौर पर अपन कहेंगे कि मति ज्ञान किसे कहते हैं, तो कर्म की तरफ से भी बात करेंगे तो मति ज्ञानावरण के छयोसम से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं, सीधा सच्चा कहते हैं सब, लेकिन अकलंक कहेंगे कि मति ज्ञाना नहीं, पूज्यपाद कहेंगे कि मति ज्ञानावरण और वीर अंतराय कर्म
के छयोपशम से जो ज्ञान होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। वे एक वीर अंतराय कर्म का छयोपशम उसके साथ में लगाएंगे। सीधा आगे मति ज्ञानावरण कर्म है और उसको ढकने वाला और मति ज्ञान है उसका छयोपशम हो जाए तो बस हो जाना चाहिए उसे। मति ज्ञान क्षय ज्ञान तो है नहीं, मति ज्ञान का क्षय भी हो जाएगा तो कोई वो तो हो नहीं जाएगा। मतलब केवल ज्ञानावरण का क्षय होगा तो केवल ज्ञान होगा, मतलब मति ज्ञानावरण के क्षय से नहीं होगा, तो वो तो क्षयोपशम ज्ञान है। तो उनने इस तरह से वो परिभाषाएं दी हैं कि जिसमें कहते इसमें दोष लग सकता है क्योंकि मति ज्ञान वीर अंतराय कर्म का भी क्षयोपशम होना चाहिए क्योंकि बिना शक्ति के तो दुनिया में कोई काम होता ही नहीं है। तो इस तरह से आचार्य पूज्यपाद का छठवीं शताब्दी में हुए और आठवीं शताब्दी में फिर अकलंक हुए। पहले पूज्यपाद हुए फिर अकलंक हुए और प्रमाण ग्रंथों पर हमारे जैन विद्वान खासकर 100-200 वर्ष पहले के गोपालदास बरैया से लेकर और जो अभी तक हुए हैं समझो कांजी स्वामी के पहले तक, काली स्वामी की परंपरा को छोड़कर और दूसरी परंपरा चल रही उसमें, इसमें ये अकलंक की जो प्रमाण परंपरा है इसको ही जैसे वो ज्ञान मानते हैं। इसलिए वो तत्वाशुद्ध पढ़ाएंगे, सर्वासिद्धि पढ़ाएंगे, राजवार्तिक पढ़ाएंगे, बहुत जोर मारेंगे तो श्लोक वार्तक की बात करेंगे। मान एक साल भी वो तत्वाशुद्ध या उसकी टीका कोई जरूर पढ़ने पढ़ाने में होना चाहिए। अब ये तो हुई प्रमाण मीमांसा जिसमें काव्य विचार होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, परोक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, खासकर सबसे ज्यादा चर्चा अनुमान प्रमाण पर है जिसमें जो है ना तीसरा अध्याय परीक्षा मुख सूत्र का, और जिसमें अनुमान की जो परिभाषाएं दी वो 22 प्रकार के हेतु है ना, हेत्वाभास हेतु वगैरह वो सारा विषय उसका है। अब इसलिए मैं ये जो परंपरा है वो उमा स्वामी से इस तरह से चली है। अभी दूसरी परंपरा भूतबली पशुदंत की है जो करुणान योग और भूगोल के आधार पर चलती है। तीन लोक की रचना कैसे है ये भी वही बताएंगे, करुणान योग में कर्म की स्थितियाँ कैसी हैं, उनकी कहाँ कहाँ जीव कहाँ कहाँ रहते हैं ये सारा वर्णन करेंगे। तो वो करेंगे कौन, करुणान योग वाले आचार्य वीरसेन स्वामी उसके सबसे सशक्त आचार्य हैं। यद्यपि सरखंडागम बनाने वाले भूतबली पशुदंत भी हैं, सबसे पहले तो वो ही हैं, लेकिन उस पर जो टीकाएँ लिखी धवल जय धवल महाधवल वो सब वीरसेन स्वामी ने 10वीं शताब्दी में लिखी। अब फिर न्याय शास्त्र आया, न्याय परीक्षा मुख, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड और यहाँ जे आई किताबें यहाँ पर की आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा, नाम तो सुने होंगे ना, और इनके नामों से तो इनकी विषय वस्तु का भी ख्याल में आता होगा ना। आप तो मीमांसा मान सच्चे देव के पर विचार करते हैं आते ना, आप तो परीक्षा सबसे ज्यादा परीक्षा तो भगवान की ली है, आप परीक्षा आप तो मीमांसा अश्रय श्री वगैरह ये सब में सच्चे देव माने सर्वज्ञ यानी प्रमाण ज्ञान संपूर्ण ज्ञान जिनको है, तो ऐसे भगवान की परीक्षा कौन है। अब यहाँ एक गेय के रूप में आए कि ये भगवान तो पहले वो भगवान तो गेय रूप है क्या नहीं, माने वे जानते हैं उन्हें जाना जाता है वो निर्णय तो करो। तो इस तरह ये जो चीजें हैं जैन दर्शन में आज मौजूद हैं इसमें से हमारे पुराने पंडितों ने और स्पष्ट कहूँ तो वर्णी की गोपालदास जी बरैया, यहाँ से जो शुरू होती है परंपरा इस युग में
उन्होंने वो तत्वार्थ राजवार्तिक और उसकी परंपरा वो ली, सब तत्वा सूत्र वाली परंपरा। फिर यदि हम उधर जाते हैं तो एक बड़ा बहुत बड़ा ग्रुप हुआ जो करुणानी योग का ही अभ्यास करता था। ये जो ब्रह्मचारी लोग आश्रमों में रहते थे और जिनको 24 घंटा समय था तो वे करुणानी योग में बहुत ज़्यादा करते थे। ऐसे वे लोग सब गोमर शाह जीव कांड कर्म कांड वाले फिर धवला वाले हो गए। जिनने धवला पर काम किया, धवला पर काम क्या किया, रखे थे तो छपाने थे, मैंने वहाँ थे मूल बद्री में तो उनको छपाना था, तो छपाने में सबसे बड़ा काम तो पैसा इकट्ठा करना था, उसको पैसा देना था। तो हमारे पंडितों ने क्या किया कि पहले गजरथ लोग बहुत कराते थे और गजरथ करते आते थे तो उनको सिंघई की पदवी मिलती थी, सिंघई माने संघपति। तो उनने कहा कि तुम ये छपा दो जय धवल महाधवल, हम तुम्हें सिंघई की उपाधि दिए देते हैं, पूरी समाज इकट्ठा करके गजरथ नहीं चलाओ, उसमें पैसा खर्च नहीं करो, और एक किताब है छपा दो हैं? इनमें सबसे ज्यादा डॉक्टर हीरा लाल ये सब बड़े बड़े ये अनुपाध्य ये बड़े बड़े विद्वान जो थे जिन्होंने ये वो छपाने में काम किया। ये अपने फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, हीरा लाल जी सिद्धांत शास्त्री, इन लोगों ने वो बहुत बड़ा काम किया। वे किताबें सामने आ गईं तो वे भी पढ़ी जाने लग गईं। फिर तीसरा पूज्य गुरुदेव श्री का जी अध्यात्म आया, जिन्होंने समय सार वगैरह की आचार्य कुंद कुंद की परंपरा को सारे जगत के सामने रखा। अभी जो हमारे सामने हैं ये दो तीन परंपराएं हैं जो आप सबको पढ़ाई जा रही हैं। गोमर सार भी पढ़ाया जा रहा है, समय सार भी पढ़ाया जा रहा है, हैं आप परीक्षा भी पढ़ाई जा रही है, समझे ना। अब सच्चे देव की आप तो परीक्षा, तो ये प्रमाण शास्त्र है क्या प्रमेय शास्त्र है, मैंने इतना समझाया। अब कोई बताना चाहे तो हाथ उठाए, मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि मैंने जो कुछ कहा वो किसी के पल्ले तो कुछ पढ़ा के नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स को। तो ये प्रमेय परीक्षा है क्योंकि सच्चे देव का स्वरूप जाना जा रहा है, वो जानने लायक है। आप समझे ना, ये वस्तु क्या है, सच्चा देव है कि नहीं है, जैसे हम कहते दुनिया है कि नहीं है, जम्मू द्वीप है कि नहीं है, ऐसे ही सच्चा देव है माने वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है कोई कि नहीं, यहीं से बात शुरू करते हैं कि पहले ये तो नक्की करो कि है तो फिर बाद में बात करेंगे, ये किसने कही वाणी, किसने कही, कैसे कही। तो वो प्रमाण मीमांसा में भी जाएगी क्योंकि वो केवल ज्ञान जो है ये ज्ञान है, लेकिन वहाँ तो प्रमाण प्रमेय प्रत्यक्ष परोक्ष स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान वो लेन जाती है क्या, वो समझे जिनमें क्यों जाती है, वो इसलिए जाती है कि जब दो मत वाले लड़ते हैं मैंने वाद विवाद करते हैं मैंने तत्व चर्चा करते हैं, हैं तीन नाम दे सकते हैं उन्हें, तो वे लोग किस आधार पर करें मैंने किस चीज को प्रमाण माने, पहले नक्की तो करना चाहिए कि हम और तुम वो व्यापार करते हैं, गेहूं हम आपसे खरीदते हैं तो गेहूं का क्या भाव हो, तो ये बात तो नक्की करना चाहिए कि भाव में डॉलर से होगा कि रुपया से होगा हैं कि पौंड से होगा, ये नक्की करना चाहिए ना, और नाप होगा तो कैसे होगा, शेर से होगा क्या, क्या बोलते हैं आप लोग, किलो से होगा, माने ये सब चीज़ें नक्की करनी चाहिए ना, तब तो हमारी तुम्हारी बात हो सकती है कि ये माल लें तो किस भाव लें, कैसे कैसे जाएगा, कैसे पेमेंट होगा, ये सब बातें यानी हम बाद बात करेंगे तो वो उसका आधार क्या होगा, उस बात की सच्चाई का आधार क्या होगा, कसौटी क्या होगी,
समझे ना, वो कसौटी वाला मामला है, वो प्रमाण मीमांसा में मुख्य रूप से आता है, समझे ना, ज्ञानाधिकार। तो वो जो जिसमें है, तो इतनी रामायण में नतमस्तक क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि ये जो प्रमाण मीमांसा और प्रमेय मीमांसा के रूप में वर्गीकरण हुआ है, आधुनिक सभी विश्वविद्यालयों में उस स्टाइल से हुआ है, सब धर्मों का, समझे ना, कौन प्रमाण मीमांसा और प्रमेय मीमांसा, और पुरातन साल में उसी स्टाइल से हुआ है। देखो कुंद कुंद ने एक शैली अपनाई, वो आज के विश्व से पूरी मिलती जुलती है। तो आज के जो वैज्ञानिक थे, जो वैज्ञानिक माने इस विज्ञान को जानने वाले हैं, तो उन्होंने एकदम प्रयोजन सार को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वही विषय वस्तु मिली, उसी तरीके से मिली, है ना। ज्ञान तत्व पर ज्ञापन, ज्ञान तत्व माने अपन गुरुदेव तो लगे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, वे तो ये कहते हैं ज्ञान माने जानने वाला तत्व। अरे जो कोई जानने वाला तत्व है, और वे ज्ञान कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, कैसे जाना जा सकता है, इस सब के बारे में पहले निर्णय करो। तो ये अलग अलग हैं, जैसे कि मैं नमूना के तौर पे बताऊं तुम्हें, अब मैं समझता हूँ तुम्हें कितना पढ़ाया जाता है मुझे पता नहीं आजकल, लेकिन जैसे कहते हैं प्रमाण होना चाहिए, कितने होना चाहिए, तो इतना झगड़ा है कि वो है ना चार बाघ, वो कहता एक प्रमाण होता है प्रत्यक्ष, फिर बौद्ध कहते हैं दो प्रमाण होते हैं, फिर सांख्य कहते हैं तीन प्रमाण होते हैं, फिर नैयाय कहते हैं चार प्रमाण होते हैं, फिर प्रभाकर कहते हैं पांच प्रमाण होते हैं, फिर भाट कहते हैं छह प्रमाण होते हैं। पहले पहले नक्की करो प्रमाण कितने होते हैं, अब उन सब के परिभाषाएं तैयार करो। तो जैन कितने मानते हैं, जैन जैनों से की तरफ से कहा तो हम दो मानते हैं, कहें प्रत्यक्ष और परोक्ष, तो नाम बदल गया उनके यहां, तो दो जो नाम थे तो उसके एक प्रत्यक्ष और दूसरा अनुमान था बौद्धों के, और हमारे यहाँ नाम दूसरा बदल गया परोक्ष, हमने परोक्ष के पांच भेद कर दिए, स्मृति पृथ्वी ज्ञान तर्क अनुमान आगम, जो दूसरे लोगों ने दिया ही नहीं, अब वहाँ इनकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने अलग दिए प्रत्यक्ष अनुमान अर्थापत्ति क्या है, उन्होंने सब कुछ याद किया नहीं, सब साफ पढ़े तो होंगे, आते थे नरेंद्र जी, अनुमान अर्थापत्ति अभाव, अभाव भी नाम का एक प्रमाण होता है, भाट भाट मानते हैं, हम तो 12 वर्ष की उम्र में पढ़े थे सब, फिर मेरे तुम्हारा अष्टी दादा आपको है कुछ याद याद इतना तो याद आता ही होगा कि ऐसा कुछ पढ़ा था कि कौन मत वाला क्या प्रमाण मानता है, अष्टी शुरू करते हैं, शुरू के 50 पेज तो इसी इसी में हैं। अब वे सारे मत वाले अलग अलग कहते हैं, अब चार बाग की बात आएगी तो सब कहें खाओ पियो मौज करो भूख चले जाओ, ये चार बाग है, ये दर्शन है। दर्शन तो एक अकेला प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे सामने दिखाई दे रहा बस वो ही है जगत में, और कुछ नहीं, कि तुम्हारे बाप के हाँ भी दिखाई दे रहे हैं भी हैं, और दादा के नहीं भी नहीं, क्योंकि भी दिखाई नहीं दे रहे, क्या आप समझ रहे हैं, वो कहता जो सामने दिखता है बस वो है, वो नहीं, तो वो कहते ऐसे नहीं मानोगे तो तुम्हारा ही अस्तित्व सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि बाप के बिना बेटा होता नहीं है, और तुम्हें सब बाप के बाप के बाप के बाप तुम्हें दिखाई देते नहीं है, समझे। जब भी आप करो बात चार बाग की तो खाओ पियो बाली मोह करोगे, ये नहीं करोगे, तो बौद्ध कहते हैं कि नहीं नहीं हाँ इसलिए अनुमान भी प्रमाण है। तो हम जानते हैं ना कि हमारे पिता के बिना हम नहीं हुए थे, उनके पिता के बिना वे नहीं हुए थे, तो उनके पिता भी अपने पिता के बिना नहीं हुए होंगे, ये अनुमान से हमने अपने दादा को दादा के दादा को सिद्ध किया,
फिर पूरी लंबी कहानी है, समझे ना। हर एक मत की सिद्ध करते चले जाते हैं, फिर जैनियों की सिद्ध करते हैं, ये सब है। वो आजकल तो मैं पोल नहीं खोलना चाहता हूँ, वो हिस्से ही कोर्स में से निकाल दिया, कोई पढ़ने ही पढ़ाने वाला नहीं है। वो किताब उठा के देखोगे तो पेज ही खुले हुए नहीं देखोगे। बहुत है, मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, ये है प्रमाण मीमांसा कि पहले ज्ञान का स्वरूप तो नक्की करो कि जिस कसौटी पे कसेंगे हम, ये प्रमेय मीमांसा कि उस ज्ञान की कसौटी पर जिसको हम कसेंगे वो है प्रमेय, समझ गए ना। उस कसौटी पर इसको कसेंगे तो पहले वो कसौटी हमारी तय होनी चाहिए। आप जानते हैं ये बड़ी बड़ी मीटिंग होती है विश्व के लेवल पर, तो उन पर पहले वो तय होता है कैसे बात होगी, एजेंडा तय होता है। मैंने पहले असिस्टेंट सेक्रेटरी दोनों देश के मिलके बात करेंगे, फिर सेक्रेटरी करेंगे, फिर प्रधान सेक्रेटरी करेंगे, फिर मंत्री में वो करेंगे, फिर अंत में वो प्रधानमंत्री दोनों करेंगे, फिर वो साइन करेंगे। उसकी पूरी प्रक्रिया होती है, आती रहती ना। कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में सचिव लेवल पे बात चल रही है, अभी वहां चल रही है, वो वहां चल रही है, और वहां चल रही है, ऐसी बात चलती रहती ना। ऐसे ही इसमें भी होता है। तो ये बात प्रवचन सार में थी, इसलिए उन लोगों ने मान लिया, इतनी मान्यता हो गई, और समय सार में नहीं थी ये बात। समय सार में तो आपको ऐसा लगेगा कि हम तो चार भाग जैसे हैं, क्यों कि हम तो अनुभूति के अलावा, मैंने प्रत्यक्ष के अलावा किसी को प्रमाण ही नहीं मानते। हम तो कहते हैं अनुमान से जाना तो कुछ नहीं, कहते कि नहीं कहते। जब तक सीधी आत्मा डायरेक्ट नहीं जाने, अनुभूति में नहीं आए, तब तक समय दर्शन नहीं होता, क्यों ना। वो आगम प्रमाण न किसी को, नहीं कुछ नहीं, लिखी लिखाई बात नहीं, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है। बोलते कि नहीं बोलते, अपने लोग बोलते हैं, ये मालूम नहीं है कि हम किस बात का विरोध कर रहे हैं, और जैन दर्शन में उसके बारे में क्या है। अपेक्षाएं हैं सब अलग अलग, समझे, यानी वो सारी चीजें नक्की होती हैं। अब हम अगले अनुभूति, तो तुमने अकेली अनुभूति को प्रमाण माना तो तुम चार बार खाओ बस, पत्रकाली तो भगवान आत्मा और बस कुछ नहीं है। वो अनंत सुखी तो है ही, चौबीस ही है, थोड़ा बहुत यहाँ वैसे है, और नहीं तो त्रिकाल जैसे ज्ञान आनंद सुभा दी है, चौबीस घंटा बस वो। यदि और अनियोग हटा दें तो हम चार बाघ हो जाएंगे, और दो माने बौद्धों जैसे तो कौन कौन से, पिता से हनुमान, तो क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत खड़ी होगी बोलो, लगाओ दिमाग थोड़ा। अरे भाई आगम प्रमाण अमान्य हो जाएगा तो समय सार में क्या लिखा, गोमर सार में क्या लिखा, सब बेकार। द्वादशांग वाणी बेकार, भगवान की दिव्य ध्वनि बेकार। जब आगम प्रमाण नहीं मानोगे तुम है? ख्याल में आई ना, तो तुमने जाना कैसे है, तो आगे मान लो। तो इस तरह से छह प्रमाण जो हमारे हैं, हमारे उनके तो अलग हैं, उनके कौन कौन है, अपने कौन कौन है, अपने प्रत्यक्ष अनुमान, प्रत्यक्ष फिर परोक्ष, फिर स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। और उनके छह कौन से हैं, प्रत्यक्ष अनुमान अर्थापत्ति उपमान और एक अभाव है, अभाव नाम का भी है, ये छह उनके अलग हैं। अब फिर ये निर्णय करो, कभी तुम कहते हो कि नहीं है अर्थापत्ति, अर्थापत्ति नाम का प्रमाण नहीं है। अर्थापत्ति क्या होती है जानिए, शास्त्री हो गए अर्थापत्ति नहीं जानते। अर्थापत्ति माने जिसके
नहीं होने से जो काम रुक जाए उसे अर्थापत्ति कहते हैं। आई समझ लगे लक्ष्मी, अर्थापत्ति माने कि यदि आप नहीं आते तो क्या बिगड़ने वाला था, या कुछ नहीं, एक श्रोता कम होता, समझे ना। तो अर्थापत्ति प्रमाण से आपकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हो सकती, कि मैं नहीं आता तो प्रवचन कौन करता, आप समझे ना। वो कहते हैं ऊपर वृष्टि राशित अधोपूर अन्यथा अनुपत्ति, ये सब तुम्हारी किताबों के हैं, बोल रहा हूँ सूत्र, ये परीक्षा मुख का सूत्र है क्या, नहीं हमने सब पढ़े नहीं, हमने पढ़े नहीं, क्यों आप कौन कहते हैं नहीं पढ़े, तुम्हारी समझ में आई। ऊपर बरसात हुई है, यहाँ तो गर्मी पड़ रही भयंकर, लेकिन नदी आ रही है, बाढ़ आ रही है, भयंकर सूखा पड़ रहा है और बाढ़ आ रही है, तो वो कहते ऊपर बरसात हुई है अन्नता अधो पूर अन्नता, नहीं पहले नीचे बढ़े, ये पूर माने बाढ़ कैसे आती, ऊपरी वृष्टि राशि अधो पूर अन्नता अनुपत्ति, क्यों आगे समझना कि नहीं, ऊपर बरसात हुई है अन्नता नीचे बाढ़ नहीं आ सकती थी, माने ऐसी परिस्थिति बनी कि नीचे बाढ़ आ रही और ऊपर हुआ, क्यों हुई, बरसात हुई होगी, ये निर्णय हो गया, तो ये अर्थापत्ति हुई। यदि बरसात में अर्थापत्ति हो जाती, बरसात नहीं होती, और बरसात क्योंकि हुई है इसे बरसात की सत्ता सिद्ध हो गई, हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन पूर आ रहा है, इसलिए वो अर्थापत्ति, समझ गए, अनुमान कोई अंदाज लगाते ना, उपमा उसके समान है ना, एक वो भी प्रमाण होता, अभाव को भी प्रमाण मानते भी तो। अब अपन कहते हैं तुम्हारे जैनियों के यहां अर्थापत्ति नहीं मानी, तो अर्थापत्ति का जो काम है वो तुम जैनी कैसे चलाओगे, तो कहते हम अनुमान में लगा शामिल कर लेंगे, अरे अनुमान ही तो है, वो हेतु है बरसात का होना और पुराना, और बरसात का होना साध्य, साध्य साधन दोनों हो गए ना, और साध्य साधन ज्ञानम साधना साधन विज्ञानम अनुमानम, सब परीक्षा मुख सूत्र के सूत्र हैं क्या, नहीं मैंने तुमने पढ़े हैं सब, ऐसा नहीं कि मैं कोई नए ग्रंथ में से पढ़ के लाके तुम्हें ये बात बता रहा हूं, और पहली साल पढ़ा देते हैं मेरे ख्याल से, उपाध्याय में आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं, बोलो ये सब चीजें जब तक हम नहीं जाने तब तक वो पार नहीं पड़ सकती है हमारी, हमको यही पता नहीं कि निर्णय कैसे किया जाता है, न्याय किसे कहते हैं, क्या प्रमाण न्यायात्म को न्याय, जिसमें प्रमाण और न्याय से प्रयोग किया जाए निष्कर्ष निकाला जाए उसे न्याय कहते हैं। अब आज की अदालत में कोई प्रमाण में लगता है ये असली, तो जो अपने जो न्याय शास्त्र है ये न्याय है कहते हैं, प्रमाण और न्याय से उसका विरुद्ध न्याय ही नहीं माने तो उनके यहाँ न्याय क्या होगा है? अभी मैं पढ़ता हूँ इसे, जरा ध्यान से सुनना, और कोई बहुत ऐसी जरूरी बातें होंगी तो बताऊंगा, मेरे ख्याल से इसमें बहुत कुछ आ गई होंगी। यह अमर कृति विगत 2000 वर्षों से निरंतर पठन पाठन में रही है, आज भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में इसे स्थान प्राप्त है, यद्यपि आचार्यों में कुंद कुंद और उनकी कृतियों में समय सार सर्वोपरि है, तथापि समय सार अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक विषय वस्तु के कारण विश्वविद्यालयीन पाठ्यक्रमों में स्थान प्राप्त नहीं कर सका, पर अपनी विशिष्ट शैली में वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक प्रवचनसार का प्रवेश सर्वत्र अबाध है। ये देखो समय सार से महान है प्रवचनसार, अब ये बता रहे, अभी तो कोई कह ही नहीं सकते अपने अध्यात्म के वातावरण में, तो ये बताओ कि जो प्रवचनसार है वो कहते हैं उनके यहाँ
आत्मा का, हमें आत्मा का अनुभव नहीं होगा, हमें सम्य दर्शन नहीं होगा। लेकिन उनके यहाँ सम्य दर्शन नाम की कोई चिड़िया ही चीज ही नहीं है। किनके तो वे तुमसे उसे उसकी बात क्यों करेंगे? एक चारित्र नाम का कुछ है, कुछ ना कुछ है, कुछ बेस भी है, कुछ और भी है, ज्ञान भी है, लेकिन सम्यक दर्शन नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। और तुम लगे तो हमें अनुभूति सम्यक दर्शन होगा, तो वो बात ही नहीं करते, इसलिए वो समय सार की बात नहीं आती। किसी को जानना ही नहीं है तुम्हारा समय सार। प्रमाण और प्रमेय, देखो व्यवस्था का प्रतिपादक यह ग्रंथराज कौन? प्रवचन सार आचार्य कुंद कुंद की ऐसी प्रौढ़तम कृति है कि जिसमें वे आध्यात्मिक संत के साथ साथ गुरु गंभीर दार्शनिक के रूप में प्रस्फुटित हुए हैं, प्रतिष्ठित हुए हैं। अकेले आध्यात्मिक नहीं है कुंद कुंद, बहुत बड़े दार्शनिक माने न्याय शास्त्र के विद्वान है, दार्शनिक रूप में भी प्रतिष्ठित हुए हैं। लगा ना, ये प्रवचन सार के कारण हुए हैं। प्रौढ़तम क्या होता है? कहाँ के हो तुम, कौन से प्रांत के हो? हैं? यूपी के? यूपी में तो बहुत हिंदी सबसे बढ़िया पढ़ी जाती, सबसे पुराना विश्वविद्यालय हिंदी का इलाहाबाद में ही था, जितने कवि हुए हैं ना 100 वर्ष पुराने सब इलाहाबाद में थे, बड़े बड़े लेखक, कहानी लेखक, उपन्यास लेखक, इनके नाम सब इलाहाबाद ही हैं। बोलो प्रौढ़तम माने क्या होता है? हैं? कम सुनता हूँ, क्या बोला? उत्कृष्टतम, प्रौढ़तम की जगह उत्कृष्ट लगा दिया है ना। तो ये जो है रमेश जी है ना, ये प्रौढ़ है ना, तुम लोग बालक हो, कुमार हो, किशोर हो, ये भेद जानते क्या नहीं? फिर ये प्रौढ़ हैं, फिर ये प्रौढ़तर हैं, ये प्रौढ़तम हैं। अब समझ में आया कि नहीं आया? यानी अपनी जो उम्र है, तीन तो है ही, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इनमें भी कई भेद है ना। तो ये प्रौढ़तम माने गंभीरतम, मतलब इसमें हल्की फुल्की बातें नहीं है। यहाँ से ये बात कह दी गई, कह दी गई, खाने पीने की बात के यहाँ की है, कुछ नहीं। समझ गया आप? प्रौढ़तम कृति है माने गंभीर विषय जो है, और उसे प्रौढ़ता गंभीरता से उसको हम निपटाएं, समझाएं, उसका अध्ययन करें, उसमें हल्केपन नहीं हो जिसमें, समझे ना। और वे गुरु गंभीर दार्शनिक के रूप में प्रस्फुटित हुए हैं, है ना। मैंने गुरु माने सबसे बड़े विद्वान, और गंभीर गंभीरता है उनमें, हंसी मजाक करके उड़ाना उड़ाना, कौन सी धर्म परीक्षा वाले न्याय शास्त्री नहीं है। धर्म परीक्षा एक किताब है, उसमें दूसरों की मजाक ही मजाक उड़ाई है, समझिए ना। आचार्य जयसेन के अनुसार पंचास्तिकाय की रचना संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए हुई है। इस ग्रंथ प्रवचन सार की रचना मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए हुई है। यद्यपि यह ग्रंथ राज अद्यावधि, अद्यावधि माने आज तक, विभिन्न भाषाओं में अनेक टीकाएं लिखी गई इसकी, तथापि यह ग्रंथ राज की रचना के लगभग 1000 वर्ष बाद, आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य अमृतचंद कृत तत्व प्रदीपिका, और उसके लगभग 300 वर्ष बाद आचार्य जयसेन कृत तात्पर्य वृत्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई टीकाएं हैं, जो आज सर्वाधिक प्रचलित और पठन पाठन में है। अभी देखो साधारण सी बात याद रखना, जयसेनाचार्य ने 3 ग्रंथों की टीका लिखी, पंचास्तिका है, प्रवचन सार और समय सार, वो तीनों का नाम तात्पर्य वृत्ति रखा। तात्पर्य वृत्ति का मतलब क्या है? वृत्ति माने टीका, तात्पर्य वृत्ति
माने एक स्टाइल में लिखी उनने, तात्पर्य यह है, तात्पर्य यह है, तात्पर्य यह है, जैसे कलस्ती का ने लिखा ना, भावार्थ भावार्थ, तीन तीन दफे भावार्थ, एक एक लाइन में तीन दफे भावार्थ हैं। तो ये तात वो एक स्टाइल उन्होंने नक्की कर ली कि वो सब नए बताना कि इस नए से ये ऐसा है, और साथ में व्याकरण बताना कि ये शब्द कैसे बना है, फलानी धातु से फलाना प्रत्यय लगकर ऐसे बना है ना, और उसको भी तात्पर्य वृत्ति कहते हैं, जैसे नाचार्य की। तो वास्तव में तो अमृतचंदाचार्य और जैसे नाचार्य में कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि वो तो व्याकरण पढ़ा रहे हो, न्याय पढ़ा रहे, इनने कहीं कोई ना ना न्याय का उल्लेख किया और ना उनकी व्युत्पत्ति बताई, तो वे जानते नहीं थे, ऐसा नहीं है। संस्कृत तो उनकी बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी है ना, न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ भी बहुत बड़े हैं वो, लेकिन उनने उसमें को नहीं, सीधी बात लिखी, हर एक में ये नहीं बताया कि इसमें ये है ये है। हम व्याकरण पढ़ाने बैठे हैं कि हर एक शब्द की बताने लग जाए कि इसमें यण संधि है, इसमें ऐसा हुआ है, इसमें गुण संधि है, ये पढ़ाए हम तो पहले, तुम ये पढ़ के आए हो समझे ना, ये मानिए पहले बात बात होते थे, आज जानते आर्य समाजियों से बहुत होते थे आज से 100 वर्ष पहले, तो वो संस्कृत में बोलते थे बात बात करने वाले, वो सामने वाला विद्वान कहता था भाई संस्कृत में नहीं जानता मैं, आप हिंदी में बोलो, तो वो कहते संस्कृत में जान नहीं था जानते तो तुम हमारे पास सामने आए क्यों, हम तो वो संस्कृत नहीं जानते तो हमारे विद्वान ही नहीं मानते क्या, धड़ाधड़ संस्कृत में बोले तो वो पंडित जो अच्छी संस्कृत बोलते थे तो वे पास हो जाते थे, और बाकी लिख जाते, अपना विद्यार्थी ऐसे ही है संस्कृत में थोड़े कमजोर होते हैं तो इंटरव्यू में फेल होके आ जाते हैं, और वे लोग संस्कृत ही रटते रहते हैं, कुछ नहीं जाने सिद्धांतों के मामले में क्यों, लेकिन संस्कृत में धड़ाधड़ बोल लेते हैं कि नहीं बोल लेते हैं, कॉलेज में तुम्हें आती कोई तकलीफ होती थोड़ी बहुत क्या नहीं, तो कहाँ चले कहाँ गए थे, टीकाएँ हैं अमृत चंद्राचार्य की, तीन टीकाएँ हैं और उनने तीन के तीन नाम अलग रखे, सुनो, और इनने एक ही नाम रखा क्योंकि इनको तो सबको बताना है क्या व्याकरण है और क्या न्याय है, कौन सा न्याय लगता है और कौन सा व्याकरण का सूत्र लगता है, क्यों कौन सा न्याय का नियम लगता है और कौन सा सूत्र व्याकरण का लगता है, वे दो बात बताने मुख्य रूप से, अब सामान्य अर्थ करते जाना है, समझ में आए ना। और अमृतचंदाचार्य के समय सार की टीका का नाम आत्मख्याति, स्वतंत्र सार की टीका का नाम तत्व प्रदीपिका, और पंचाशी काय की टीका का नाम समय व्याख्या, यानी उनके दिमाग में अलग है कि मैं इसमें क्या बताऊंगा, पंचाशी काय में समय व्याख्या क्यों रखी, ये तो समय सार में होना चाहिए थी, अरे समय माने क्षय द्रव्य होता है, समय माने आत्मा भी होता है, तो क्षय द्रव्यों का सामान्य वर्णन करेंगे, आत्मा का बताएंगे सामान्य स्वरूप, समझे ना, इसलिए उन्होंने उसकी समय व्याख्या नाम की टीका रखी, और प्रवचनसार की तत्व प्रदीपिका, कि इसमें जो तत्व ज्ञान दिया गया है उस पर प्रकाश डालेंगे, वो दीपक जलाएंगे, छोट प्रदीपिका में छोटा सा दीपक जलाएंगे कि जिससे उसके उजाले में आप प्रवचनसार को समझ सकें, और आत्मख्याति भगवान आत्मा का अनुभव कैसे होता है, प्राप्ति कैसे होती है ये बताएंगे, इसलिए उसका नाम रखा आत्मख्याति, उन्होंने सार्थक नाम रखे। तो अपने ये टीका जो अपन पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है, तत्व प्रदीपिका, ध्यान रखना ये सब चीजें, अब इसको अपन द्वारा थोड़ी पढ़ेंगे, इसलिए मैं पूरी पढ़ रहा हूँ, वैसे तो मुझे याद भी है ये पूरा, मैं वैसे ही सुना देता 5 मिनट में और फिर आगे बढ़ सकते थे अपन, समझ गया, थोड़ा थोड़ा उसका परिचय मैं दे रहा हूँ, है ना। यद्यपि ग्रंथराज पर
अद्यावधि विभिन्न भाषाओं में अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, तथापि यह ग्रंथ राज की रचना के लगभग 1000 वर्ष बाद और आज से लगभग 1000 वर्ष पहले अमृत चंद्र ने तत्व प्रदीप का, उसके लगभग 300 वर्ष बाद आचार्य जयसेन के तात्पर्य वृत्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई टीकाएं हैं जो आज सर्वाधिक प्रचलित हैं। माने कोई भी हिंदी पंडित टीका लिखता है तो अकेली समय सार की नहीं लिखता, अकेली आत्म उसकी प्रजन सार की नहीं लिखता, अकेली पंचासी काय की भी नहीं लिखता। ये तो उनकी टीकाएं हैं ना, उन टीकाओं की टीका लिखते हैं। अब ये टीकाएं हैं क्या, अनुवाद हैं, अभी इस जंगल में नहीं पढ़ना चाहता हूं, है ना। जैसे अमृतचंद्र आचार्य ने वो बंटवारा किया, ज्ञान तत्व तो प्रज्ञापन गई तत्व तो प्रज्ञापन चरणानी चूल गया, लेकिन जैसे कहते हैं कि मेरे को नहीं देता, मैं तो सम्मय दर्शन अधिकार, सम्मय ज्ञान अधिकार, सम्मय चार्य अधिकार है। ये टीका है, वे स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि तुमने कह दी पहले टीका कारण लिख दी तो हम वो ही लिखें, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, समझे ना। वो तत्व ज्ञान तो फिक्स है जो गाथाओं में है, लेकिन ये टीकाओं में नाम और जो विषय वस्तु लिखी है मैं उनने जो समझ में आई उनकी वो लिखी है, और उसमें भी अमृतचंद के भी ऋणी हो सकते हैं, और 90% समझ में वो ही आएगी दोनों के, लेकिन मतभेद भी हो सकता है। अनुवादक में मतभेद का काम नहीं है, तुम तो मक्खी की मक्खी मार दो। तुमने सिर्फ भाषा चेंज की है, तुमने विषय वस्तु चेंज नहीं की है। तो इन्हें यही पता नहीं हम अनुवाद कर रहे हैं कि टीका कर रहे हैं, इतना जरूर जानते हैं कि टीका कोई बड़ी चीज कहलाती है, अनुवाद कोई छोटी चीज कहलाती है। इसलिए इस टीका का नहीं लिखने देंगे इनको, इनको अनुवादक लिखा। तो ये जबरदस्ती वो टीका का लक्षण क्या है और उसमें टीका के लक्षण हैं क्या, अब मैं इतनी इतनी बातें बता रहा हूँ साथ में, तो ये टीका की बातें हैं। एक टिप्पणी होती है, बोलते हैं टीका टिप्पणी बहुत करते हैं, वो टिप्पणी अकेला कमेंट्स नहीं है। टिप्पणी क्या है कि जब कोई एक आध शब्द कठिन आ जाए संस्कृत भाषा में तो सिर्फ उसका अर्थ लिख देना, एक नंबर डाल के और नीचे उसका अर्थ चाहे एक शब्द में लिख देना चाहे तीन लाइन में लिख देना, समझे ना, लेकिन पूरा अर्थ नहीं लिखना, वो टिप्पणी, समझे। और टीका पूरा अर्थ लिखना और फिर अपना भाव भी लिखना, तो अपनी बात को तर्क से युक्ति से सिद्ध करना, ये सब अधिकार जिसमें है वो टीका है, वो टिप्पणी है। और फिर किसी दूसरे के का अनुवाद अक्षर ऐसा कर देना वो अनुवाद है। अब वो अनुवाद शब्द भी महंगा पड़ने लग गया, जैसे अनुभवी शब्द महंगा पड़ने लग गया ना, तो उस शब्द को ही हटा दो, है क्या क्या बोल रहे अभी स्वाध्याय अध्याय की नहीं है क्या, क्या अनुवाद नहीं, भाषा परिवर्तन का नया शब्द आया। अरे भैया अनुवाद माने ही भाषा परिवर्तन होती है, वो धीरे धीरे अनुवाद के साथ दो चार पंडित बड़े पंडितों का नाम लग गया तो तुम्हें भी अनुवाद लिख देंगे तो तुम्हें भी बड़े पंडित का नाम हो जाएगा है? तो भाषा परिवर्तनकार, और 10-5 भाषा परिवर्तनकार हो जाएंगे तो फिर कोई दूसरा और निकलेगा, फिर निकलेगा अक्षर जैसा हमने बोला हर अक्षर लिखा मैंने उसको इतना भी अधिकार नहीं दिया। अरे हम अनुवादक हैं तो कम से कम दूसरे भाषा में अनुवाद तो करेंगे, क्यों तो भाषा नहीं बदल लेंगे क्या, ये क्या है, ये सब अंदर के राग देश तुम्हारे बोल रहे हैं, ऐसा प्रवचन करते हैं ना अपने। अब हमारे यहाँ एक विद्यार्थी आता है, पहली साल आता है, पहले दिन यहाँ बैठा लेते हैं उसको खाए के लिए अभ्यास सिखाने के लिए प्रवचन, तो भी कहते प्रवचन बोलते हैं उसको हम। अब आज इस लड़के का प्रवचन होगा,
और कई जगह जो बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं अभी भी सब अपने को अनुभवी भी मानते हैं, तो अभी वे कोई भी विभाचन करते हैं, प्रवचन नहीं करते हैं, और वे वाचनकार हैं, प्रवचनकार नहीं, पागल हो ऐसा। लोग मेरे लोग कहते हैं क्यों आप ऐसी बातें करते हो, अरे भाई ये कौन बताएगा, तुम बताओगे, मैं मर जाऊंगा तो बताओ, ये चीजें अच्छी नहीं है, और पंडित हुकुमचंद इसके पक्ष में नहीं था, ये रहना चाहिए कि नहीं कहे, फिर मेरे नाम से तो कह सकते हो ना कि पंडित जी ऐसा कहते थे, फिर तो डर नहीं लगेगा, नहीं तो कोई नहीं कहने वाला है, ऐसा होता रहता है, फिर भी हमें वाचनकार लिखते रहते हैं, हमें कहते रहते हैं कि हमारा प्रवचन है आज, हमारे अखबार में छपता है कि डॉक्टर भारेल का वहां प्रवचन हुआ, हमारी भरने में धर्मेंद्र का प्रवचन हुआ, वे छापते रहते हैं, वाचन किया चलता रहता है, सब जानते रहते हैं, काय को बोलते हैं प्रवचन, किसको कहते हैं, यदि वो प्रवचन नहीं है, भगवान की दिव्यधनी का सार नहीं है, तो फिर आप सुनते क्यों हैं, फिर उनसे कराते क्यों हैं, वाचनकार कहते हैं कि भाई वो इनने तो बाँच दी है, माने ये तुम लोग बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, दोनों एक से ही हैं, ये तुमसे बचवा दूँ, चाहे तुम बाँच दो चाहे मैं बाँच दूँ, लेकिन ऐसा है, ऐसा हो तो ऐसा ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि सचमुच यहाँ ऊपर बैठने वाला उतनी ही योग्यता वाला हो जितनी योग्यता वाले सब श्रोता एवरेज हैं, हैं, और फिर वो कुछ बोला नहीं, उसे बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वाचनकार तो सब बोलते हैं, अपनी तरफ से गप्पे ठोकते हैं, महात्मा पर को नहीं जानता, ये नहीं जानता, ये कैसे बोल रहे थे, ये तो वाचनकार है ना, तो वो बाँचो बस खत्म, बाँचना चाहिए ना, भाई ये प्रवचन, ये भाई ये जो बात कही जा रही है, इस बात की तुम्हें इतनी महिमा नहीं है कि तुम इसे प्रवचन कह सकते हो, तुम समझना मैं क्या कह रहा हूं, अरे ये तुम्हारी महिमा नहीं है, ये तुम्हारा अभिमान नहीं है, ये मैं जो कह रहा हूं ये कुंद कुंद के वचन है, अमृतचंद के वचन है, भगवान महावीर की वाणी का सार है, मुझे ये पक्का भरोसा है, तो मैं कहता हूं लंके की चोरी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कुछ है? ये वाचन बाँचन माने क्या, ऐसे ऐसे हाँ अभी कहाँ खत्म करें, कहाँ तक पहुंच गए, हाँ तत्व प्रदीप का एक प्रांजल भाषा में लिखी गई प्रवृतम कृति है, और तात्पर्य वृत्ति सरल भाषा और सुबोध शैली में लिखी गई खंडान्वयी टीका है, ये खंडान्वयी क्या होती है, एक शब्द ले दिया, रोजगार ले दिया, रोजगार फैल दिया, फिर कोष्टक में छपते ना, देखिए नहीं एक एक अर्थ लिख देते हैं, उसको बोलते हैं खंडान वही टीका, टुकड़ों टुकड़ों में करना है, अपने सकल गे गया एक तदपि निजानंद रसलीन, के संपूर्ण अर्थात सब गेयो जानने लायक पदार्थ उनके टीका, उसका नाम ये खंडान्वयी टीका है, एक एक शब्द बोलते जाए, उसका अर्थ बोलते जाए, ऐसा ऐसा बोलते जाए, सीधा सच्चा वाक्य बना के बोल दे मैं हैं तो समझ, लेकिन ऐसे ठोक बीच में हैं, आत्मा भावार्थ जीव, ये पहले ऐसी चलती थी, तो वो भाषा की कमजोरी वह है, वो कोई उत्कृष्ट, मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि हमसे पुराने पंडित हैं तभी बहुत उत्कृष्ट हो गए, और हम नए हैं इसलिए खराब हो गए, हम भी खराब हो सकते हैं,
वे उत्कृष्ट हो सकते हैं विषय वस्तु की अपेक्षा। हैं पांडे राजमल जी तो इतने बड़े विद्वान थे, संस्कृत के इतने बड़े टीकाकार थे, इतने बड़े विद्वान थे कि तुम उनकी संस्कृत की तुम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे गद्य में बोलता है कोई लगातार भाषण, ऐसा पद्य में बोलते थे, ऐसे पद्य में लिखते थे। पढ़ो पंचाध्यायी आप, धड़ाधड़ गद्य में बोल रहे हो ऐसा पद्य रचना है पंचाध्यायी की। बहुत बहुत उत्कृष्ट कोटि की संस्कृत है उनकी, और सबसे निकृष्ट कोटि की हिंदी। घबराना नहीं, क्यों कि हिंदी थी नहीं, वे करें क्या, उस वक्त हिंदी का गद्य था ही नहीं। सारे देश में जैनियों में अजैनियों में किसी में नहीं था। सबसे पुराना हिंदी का गद्य है पांडे राजमल जी का, और टोलरमल जी का सबसे प्रौढ़तम गद्य है उस वक्त के विद्वान में, उस उनके जमाने के जो दूसरे लोग थे ना, वो उनके ऐसे ऐसे हैं। इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। यह ग्रंथराज विषय वस्तु को तीन महाधिकारों में विभाजित किया गया है, जहां एक ओर तत्व प्रदीप का टीका में आचार्य अमृतचंद ने तीन महाधारों को ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, गेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानुयोग सूचक चूलिका नाम से अभिहित किया है। तो चरणानुयोग में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन माने, अब वो ज्ञान तत्व माने कौन, प्रमाण, उसको बताया है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में असली मर्म की क्या प्रकरण कौन सा है, किसी ने किया है स्वाध्याय क्या है, उसका नाम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है ना, तो उसमें क्या है, क्या क्या का वर्णन है। उसमें केवल ज्ञान का वर्णन है, सर्वज्ञता का वर्णन है, इसलिए वो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है। सबसे बड़ा प्रमाण वो है, इसलिए आगम प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण हो गया। मैंने प्रवचन सार सिर्फ इसलिए शुरू किया है कि मुझे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में से सम्यक ज्ञानाधिकार पढ़ाना है, और दूसरा गेय अधिकार में से सामान्य गेय अधिकार पढ़ाना है। बाकी रह जाएगा तो रह जाए, चलेगा। किसी ने मेरे से कहा था यहीं अभी कि दादा आप तो गेय तत्व प्रज्ञापन चलाओ, क्या ऐसे मैं वहां तक पहले एक दफे प्रवचन कर भी चुका हूँ गेय तत्व प्रज्ञापन तक। नहीं क्यों भैया, बहुत मार्मिक है वो, हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। मैंने कहा ज्ञान तत्व प्रज्ञापन कम मार्मिक है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन भी बहुत मार्मिक है। केवल ज्ञान की महिमा क्रमबद्ध पर जाए तो उससे सिद्ध होती है। कैसी कैसी गाथाएं हैं उसमें कि जो ज्ञान में वैसी झलकती हैं भूतकाल के पदार्थ और भविष्य के पदार्थ, जैसे वर्तमान में जैसे हाथ पर रखे आंवला झलकता है, ऐसा भूत के और भविष्य के पदार्थ वो झलकते हैं। गाथा है बोलो, हिंदी अनुवाद बोलो। उत्पन्न है अनुत्पन्न बोलो, बोले ऐसी गाथा कहाँ से लाएंगे, ऐसी गाथा का केवल ज्ञान है कि जो नष्ट हो गई पर्याय बे, और जो अभी पैदा नहीं भई बे, जो वर्तमान में हैं उन जैसी स्पष्ट दिखाई ना दें, तो उन ज्ञान केवल ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा, फिर तो हम उसे दिव्य भी नहीं कह सकते हैं। यानी दिखाई देती हैं कितनी मजबूती से ये बात हो रख रहे हैं। चलो कल करेंगे, अभी हो गया समय तुम्हारा।